ये गाड़ी आई है मेरे पास होंडा की BS6। इस बाइक का जो ऑयल निकाला ना हमने, ऑयल बहुत ही बुरी कंडीशन में निकला है। ये ऑयल तारकोल जैसा निकला और ये बहुत ज्यादा काला ऑयल है, कुल भी नहीं भाग रही, पिकअप बिल्कुल नहीं आ रहा इस गाड़ी के अंदर। अब पिकअप ना आने का रीजन सिर्फ एक ही होता है, या तो ऑयल में कमी हो, ऑयल तो पूरा निकला पर कीचड़ की तरह हो गया। पर कस्टमर से पूछा, उन्होंने बोला भाई एक हफ्ते पहले मैंने क्लच का काम करवाया इस गाड़ी का, क्लच प्लेटें दोबारा खराब हो गई ऐसा लग रहा है। रोहिणी से गाड़ी आई है मेरे पास, तो अभी फटाफट से क्लच खोल के देखते हैं क्लच में क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कैसे हुआ है, क्या हुआ है, क्यों गलती हुई है। ऑयल फिल्टर, भाई साहब ऑयल फिल्टर बहुत ही ज्यादा काला निकला है, मतलब इतना काला ऑयल फिल्टर भी हो सकता है भाई, देख रहे हो सड़ा हुआ कीचड़ जैसा ऑयल फिल्टर निकला। तो भाई साहब कितना गंदा सिस्टम है इसका, मतलब यार बहुत बुरी हालत हो रखी है इसके इंजन की। तो अंदर से फटाफट से खोलो भाई, मतलब भाई मैं तो हैरान हूँ इस चीज से कि इस गाड़ी का क्लच इतनी बुरी तरीके से फूका हुआ है, जैसे गाड़ी बिना ऑयल के चल जाते ना हीट हो जाता है गाड़ी का क्लच, वैसा हो रहा है। बताया मेरे को कि 15 दिन पहले मैंने क्लच का काम कराया, 15 दिन में इतनी बुरी हालत तो होती नहीं गाड़ी की। यहाँ पे दो चीजें होती है, या तो गाड़ी की ड्राइविंग सही ना हो, या तो गाड़ी का इंजन कंप्रेसर बहुत ज्यादा वीक हो। अगर इंजन कंप्रेसर गाड़ी का वीक होगा तो आप कितनी बार भी क्लच पटे डलवा लो गाड़ी के अंदर, क्लच पटे खराब होंगी ही होंगी।